Hi everyone, welcome back. I hope you all are doing well. तो सुबह सुबह का टाइम है, मनु और अभिमन्यु तो लगे हुए हैं इसमें. ये जूतियाँ जो कल ली थी तो उन्हीं पे ये ऑयल लगा रहा है, अपनी पे और अपने फूफा जी की जूतियों पर. ऐसे कर दे. तो ये है जयपुर सिटी, तो उसी का व्यू दिखा रही हूँ मैं. और ये है जल महल, और फिर अब हम पहुँच गए हैं आमेर फोर्ट. ये देखो अभी मैंने खूब सारे कबूतर देखते उधर भाग गया, पारू लेने जा रही हूँ उसे. तो बस अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं. तो ऊपर जो है काफी चढ़ाई है, थोड़ा सा मतलब चलना काफी पड़ता है. तो अभिमन्यु था साथ में, तो हमने फिर वो एक छोटी कार टाइप की है वो हमने ली थी. और फिर उसके बाद हम आए अंदर, जब हम पहुंचे जहाँ टिकट लेना था वहाँ फिर हमें गाइड भैया भी मिल गए. उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको बता दूंगा, कोई नहीं. और तो फिर बस अब हमने उन्हें भी हायर कर लिया. ठीक है, ये दरबार लगता था यहाँ पे. यहाँ पे जो 27 गांव के लोग होते थे ना, वो राजा के पास सिखाए थे वो राजा का दरबार मान लिया, जिसके जो मंत्री लोग होते थे वो चारों तरफ बैठते थे. ठीक है, दीवाने आम की बिल्डिंग पीछे वाला जो है सरकारी ऑफिस था सर, इसके डोर्स बंद कर दिए सरकार ने, 70% पार्ट बंद मिलेगा. तो ये महल में अंदर, वहाँ से फोर्ट से बाहर का व्यू, और ये अंदर की तरफ जहाँ राजा बैठते थे वहाँ, और ये दूसरी तरफ जो पूरा हिली एरिया जो है उस तरह से. जो ये इसमें कलर है ये सारे ऑर्गेनिक कलर है, तो ये सब्जियों से और उस तरह से बनाए गए थे. फिर उससे और अंदर चलते हैं तो ये गार्डन है. ये ऐसी रूम हुआ करता था उस जमाने का. जो जोधा अकबर मूवी थी उसमें ये कढ़ाई उस टाइम पे उन्होंने बनाई थी, और वो उन्होंने यहाँ पर फिर छोड़ दी है. ये पुराने टाइम की नहीं है. कुरकुर रही है वो. कम ऑन गोट. बस. तो जो हमने गाइड लिए थे भैया वो जब मिले तो उन्होंने जैसे पूछा, तो मनु से पूछा आप कहाँ से, मनु बोला मैं तो जयपुर से हूँ. प्रतीक से पूछा, प्रतीक बोले मैं यूके से. कह रहे अजी हाँ. तो फिर प्रतीक ने उनका अपना यूके का लाइसेंस दिखाया, तो कह रहे लगते तो नहीं हो आप. तो हम सब इतने हंसे. ये है हवा महल का रात का व्यू. बहुत ही अच्छा दिन था, बहुत ही अच्छा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. अपना ध्यान रखे, खुश रहे. बाय.